नमस्कार, मैं अजीत, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि नए ऑफर्स के बारे में बताया जाए आपको, और आपको जैसा कि पता है कि ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है अभी अमेज़न पे, तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े डिस्काउंट्स और बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स के साथ यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं फ़ोन और अच्छे अच्छे एसेसरीज। तो पहली खबर और पहली यहाँ पर जो आ रही है, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस जो आपको मिल रहा है, वो आपको मिलने वाला है वन प्लस के डिवाइसेस में। वन प्लस के मोबाइल में यहाँ पे बहुत बड़ा बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 10,000 रुपये का। जी हाँ, 10,000 रुपीज़ का। मैंने सारा कुछ नोट डाउन करके रखा हुआ है, तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे सब कुछ मैं आपको यहाँ पे कवर कर दूंगा और बता दूंगा कि इसमें क्या क्या आपको डिस्काउंट्स मिल रहा है। वन प्लस 7 प्रो अगर आप लेते हैं तो 10,000 मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट है। उसमें भी अगर आप वन प्लस 7 प्रो लेते हैं जिसकी कीमत 52,999 रुपये, और 8+256 GB वाली जो वेरियंट है उसका कीमत आपको सिर्फ 42,999 रुपये पड़ेगा। तो प्राइसिंग यहाँ पर बहुत कम रखी गई है। अगला ऑफर की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर है वन प्लस 7 प्रो। जी हाँ, इसी फोन में एक और है जो कि आपको एक्चुअल प्राइसिंग है यहाँ पे 48,999, जो कि आपको पड़ने वाला है 39,999 की प्राइसिंग पे। ये भी आप कंसीडर कर सकते हैं और इसकी भी कीमत अच्छी खासी कम है। वन प्लस 70 भी आप कंसीडर कर सकते हैं, 8+128 GB वाला यहाँ पर वेरियंट, इसकी कीमत है यहाँ पे 37,999, जो कि आपको यहाँ डिस्काउंटेड प्राइस पे पड़ेगा 34,999 पे। तो इसका भी प्राइस कम है। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ सबके बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप खरीद लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बजट सेगमेंट पे। बजट सेगमेंट में अगर बात करें तो यहाँ पे सैमसंग का गैलेक्सी M30, जी M30s की बात नहीं कर रहे हैं, M30 यहाँ पे 3+32 GB वाला जो वेरिएंट है ये आपको पड़ जाएगा 10,000 रुपये में, 1 रुपये कम। अब आप बोलेंगे इसे क्यों। अब जो ब्रांड फ्रीक है जिनको ब्रांडेड फ़ोन ही चाहिए, मतलब हमको भैया यहाँ पर रियलमी रेडमी नहीं चलेगा, हमको सैमसंग वाले चाहिए, सोनी टाइप के चाहिए, तो सोनी तो अवेलेबल है नहीं अब, तो सैमसंग अगर आपको यहाँ चाहिए ब्रांडेड फ़ोन, मतलब एक रिनोन्ड कंपनी, तो डेफिनेटली यहाँ 999 की 9999 की प्राइस में आपको 3+32 GB वेरियंट आपको M30 मिल जाएगा। नो डाउट वैल्यू फॉर मनी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, लेकिन अगर ब्रांड में जाना चाहते हैं तो इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। रियलमी की तरफ से भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और अच्छे डिस्काउंट्स दिए गए हैं। इन शॉर्ट सारे फ़ोन पे 500 से लेकर के 1,000 से 1,500 रुपये तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो रियलमी U1 है यहाँ पे, जिसकी कीमत 13,000 रुपये में, 1 रुपये कम थी, यहाँ पे आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। 8,499 की इसकी प्राइसिंग की गई है और ये भी अच्छा फ़ोन है। सेल्फी लवर्स है तो इसे कंसीडर कीजिए। 25 MP का यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिलता है और फ़ोन का यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। अब बात कर लेते हैं हुआवे फ़ोन्स की। हुआवे में यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो फिर Y9 प्राइम आप ले सकते हैं, जो कि 2019 वाला मॉडल है। इसका आपको यहाँ पर कीमत पड़ जाएगा 15,990 रुपये, 4+128 GB वाला वेरिएंट। एक ड्रॉबैक जो है हुआवे और ऑनर के फ़ोन्स की, वो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर इसका आपको बायबैक या फिर अब जब आप रीसेल करते हैं तो रीसेल वैल्यू नहीं आता है, तो ये सोच समझ करके ही खरीदिएगा। तो यहाँ पर आपको इसकी ये कीमत पड़ती है, ट्रिपल के AI रियर कैमरा के साथ ये आता है। नोकिया 6.2 भी आप कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, जिसकी कीमत 17,699 रुपये थी, आपको यहाँ 14,499 रुपये इसकी कीमत पड़ने वाली है। और नोकिया 6.2 भी एक अच्छा फ़ोन है, बहुत ही दमदार फ़ोन है। पास में ही मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा, और ये फ़ोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। LG का W सीरीज़ आया था और यहाँ पर उतना कमाल नहीं दिखा पाया प्राइसिंग की वजह से, लेकिन यहाँ पर LG ने भी ब्लैक फ्राइडे सेल में अमेज़न पे यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे देने का वादा किया है। 15,999 रुपये कीमत रखी गई थी, लेकिन अभी इसको घटा करके 12,490 रुपये कर दिया गया है कीमत। ये भी 4 GB वाला वेरिएंट है, इसे भी कंसीडर कर सकते हैं अगर LG लवर्स। और उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने वीडियो को तो लाइक शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, क्योंकि हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ और ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पे LG वाला भी अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो इसे भी आप कंसीडर, W का सीरीज़ आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ईयरफोन में। ईयरफोन में यहाँ पर मी का एक स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन है, जिसकी कीमत यहाँ पे रखा गया था करीबन 1,800 रुपये, यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ 1,000 रुपये में, 1 रुपये कम, बोलूँ तो 999 की प्राइस में आपको ये मिल रहा है। ये भी एक अच्छा ईयरफोन है। पास्ट में भी अगर मैं बात करूँ तो ईयरफोन्स के कैटेगरीज में भी बेसिक्स थे MI के, वो भी बहुत अच्छा चला था, और ये ब्लूटूथ वाले में, तो डेफिनेटली इसे भी कंसीडर कीजिए अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन खरीदना चाहते हैं। 1,000 रुपये का बजट है तो इससे बढ़िया चॉइस आपको नहीं मिलने वाला है, तो इसे भी डेफिनेटली आप कंसीडर कीजिए, आपको ये अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ और ऑफर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेडमी नोट 8 प्रो यहाँ पे नो डाउट ये सेल पे चलता है, फ्लैश सेल पे, लेकिन 14,999 पे आपको मिल जाएगा 12/4 दिसंबर को। बाकी ये सारे ब्लैक फ्राइडे सेल के अंदर क्यों डाला हुआ है अमेज़न ने मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इसमें भी आपको ये सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। मी A3 है यहाँ पे, 12,499 रुपये इसकी कीमत पड़ेगी। पोको F1 आपको पड़ेगा 14,999 का, और Redmi 7A की बात करें तो 5,299 रुपये इसकी कीमत पड़ेगी।
और यहाँ पर पावर बैंक्स भी आपको 900 रुपए से यहाँ पे स्टार्टिंग है। एमआई के चार्जर्स अगर चाहिए, जो कि कार चार्जर्स वगैरह आते हैं, या फिर अगर हम एमआई के सुपर बॉयस हेडफोन्स की अगर बात करें, तो ये भी 1700 से यहाँ स्टार्टिंग है। मतलब ऑफर वाइज अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही कमाल का है। मी बैंड 3 भी अगर कंसिडर करना चाहता हूँ तो फिर 2199 इसकी एक्चुअल प्राइस थी, जो कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 1599 की प्राइस पड़ेगी। और ये भी यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, मी बैंड 4 में आपको मिल रहा है डिस्काउंट। यहाँ पे मी बैंड 4 यहाँ पे आया है 2499 का, लेकिन आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिलेगा 2299। मतलब यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट दिया गया है। ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया है, ये सभी पे डिस्काउंट कुछ ना कुछ अवेलेबल है, और अच्छा खासा डिस्काउंट है। मेरे को लगता है कि ये सही टाइम है अभी खरीदने का, अभी भी आप खरीद सकते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल पे। ये अच्छा ऑफर चल रहा है अमेजन पे। सारे प्रोडक्ट्स के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप खरीद सकते हैं, और थोड़ा मदद मुझे भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, और ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।